Every time metronome plays. I feel very weird. <laughs> okay. Hello, hello. Yes, hello, hello. Yes, तेरी आवाज कम आ रही है मेरे को अपने कानों में भाई हो सकता है ठीक है

most liked comment most liked comment damn हाँ मतलब यूनिक नाम तो है <laughs> <laughs> नहीं यार बहुत बेकार जो गए छोड़ इसके ऊपर और नहीं कर सकता मैं सेल आउट बोला जाऊँगा वाओ कंट्रोवर्सी यस कंट्रोवर्शियल बातें करनी चाहिए यार हमें है ना कंट्रोवर्सी मैं करता हूँ मैं जो कंट्रोवर्शियल बातें आज थोड़ी भाई पर आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर सम वो क्या कहते हो उसे मेरे पे रहम करना भाई मुझे कैंसिल नहीं होना ओ oh, तो ठीक है सक्षम भाई तुम पोलाइटली ये बोल देना कि आई एग्री टू डिसएग्री लेट्स एग्री टू डिसएग्री आई वुड नॉट लाइक आई डोंट सी द थिंग इज कि आई नो लाइंस कहाँ पे क्रॉस नहीं करनी चाहिए एंड एवरीथिंग और मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैं देख मेरे हिसाब से ना जैसी बात पॉलिटिक्स की आ जाती है हम hmm. तो मैं चुप हो जाता हूँ पॉलिटिक्स रिलीजन नहीं मतलब कुछ भी पॉलिटिकल अगर कोई भी चीज को मतलब तो हम पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज़ कर दें है ना मतलब अरे कोई भी चीज है सुशांत सिंह राजपूत को पॉलिटिसाइज़ कर दिया जाती है ना उसके बाद उससे मन उड़ जाता है थ्री पीस ठीक है जिसके अंदर इट्स लाइक टू इज टू वन वाला रेशियो लगता है अगर दो चीजें हैं तो तीसरी चीज नहीं होगी देर इज पब्लिक Hmm. pleasure hmm. and politics okay let's see hai? if i want to have pleasure Haan. in public there can be no politics whoa if i want to talk about <laughs> politics in public there can be no pleasure hai? Uh -huh. now if i want to have pleasure with politics there can be no public <laughs> <laughs> so that's my Agreed, yaar, so i'm not apolitical Haan. ठीक है तो आई डोंट टू डिस्कस पॉलिटिक्स एन ऑल बट बिकॉज आई स्टार्ट ऑफ विद लाइक पॉलिटिक्स एंड ऑल मेरे कॉन्टेंट में हार्ड कोर लेफ्टिज्म कॉलेज यहाँ पे हर कोई मतलब वो वाली बातें करते हैं ना कॉम्यूनिज इज दिस कैपिटलिज्म बट देन मैं इंटरनेट पर आया और मतलब फिर मेरे को पता चला नहीं दूसरे भी ओपिनियंस हो सकते हैं

एन इट्स वेरी इजीस ऑन पॉलिटिक्स छोटी छोटी बातों पर जैसी बक्चौिया होती है ना उन पे लॉन्ग कंटेंट बनाना मुश्किल होता है कितने ही मार तुम फोर पे, अगर तुम्हारे को की वीडियो बनानी है मैं तो बना दूंगा <laughs> 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 क्या ही करना है पर आठ रील बनाने में कोई दिक्कत नहीं है आठ रील हाँ स्टोरी बनानी होती है पहले तो फोर्टी yeah. wow. <laughs> पर भाई इस लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाली बात ना मेरी पिनोकियों से हो रही थी आज हाँ

अब उसका भी अगर मिडिलमैन हमने काट दिया एक बंदे की वेबसाइट है मार्केटिंग अच्छे से कर लो तुम उसकी वेबसाइट पे जाके केयरफुली कैटर्ड जैसा आपको कंटेंट देखना है आप देख सकते हो ठीक है ना इट्स लाइक like किसी के घर में जाके उसके साथ में बात करना इट्स लाइक like, uh, कोई अपना ओनली फैंस हटा के पर्सनल पेज बना ले या गेट इट सो

मैं इंस्टाग्राम पे था और मेरे को सब मैसेज आता नहीं यार आई एम ड्रॉपिंग न्यूज एक बंदे का मैसेज आता ये एडिट कर देना ठीक है ठीक है भाई एक बंदे का मैसेज आता बोलता यार अर्पित भाई अगर किसी लड़की ने मेरे से बोला कि उसको पीरियड्स हो रहे हैं और उसको बहुत अजीब सा लगता है कि मेरे को बड़ा मतलब हार्मोनली अजीब सा फ़ील हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँ मैंने उसको लेजिट वही बोला जो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई उससे बोल टेक केयर uh, कुछ भी हो मेरे को बता देना अभी मैं जा रहा हूँ मेरे को कुछ काम है और उसके बाद डिस्कॉर्ड पे जाके अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखना ब्रो ऑफ कोर्स ब्रो व्हाट कैन यू डू एज अ मैन वॉट कैन यू डू इफ 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 अ पर्सन स्पेशली अ वुमन इज नॉट फीलिंग गुड है ना Agreed. एक हारमोनली इम्बेलेंस्ड अगर कोई बंदा है टेक योर टाइम डॉग ज आई एम नॉट वेल इक्विप्ड इनफ लाइक इमोशनली फिजिकली किसी भी तरीके से किसी बंदे को नहीं पता भाई कि कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन में नहीं पता होता हम लोगों को तो वाई वाई टेक अ चांस वाई वाई डू यू वॉन्ट टू एंड प्लस ब्रो डू यू रियली वॉन्ट टू टॉक टू अ टू अ पर्सन हू इज टॉकिंग अबाउट हिज और हर प्रॉब्लम्स ट्वेंटी फोर सेवन नो राइट then why would you waste time <laughs> <laughs> let's agree to disagree yeah? let's agree to disagree no i'm just kidding i'm just kidding i feel no. like uh, if you don't have something to say that is going to help the person don't show sympathy just leave because giving sits up and leaves ha <laughs> <laughs> uh, that's the whole point na ki agar main, mera point yahi tha yaar ki yeah. matlab agar किसी बंदे के साथ में बुरा हो रहा है उस बंदे को सिंपति दे के उससे कोई फायदा तो होगा नहीं है ना बिकॉज आई फील लाइक तुम किसी बंद हाँ, कर पाओं अगर नहीं Can't पता हमें नहीं 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 पता नहीं पता तो फिर बहनचोद ऐसे प्रिटेंड भी क्यों ही करूं मैं वो फेक हाँ, ही लगेगा मेरे मुंह से कॉर्नी चीजें ही निकलेंगी ओ डिड यू गरम पानी से गरम पानी से नहा लो कॉम्बी फ्लेम ले लो बहनचोद कितनी बार बोलूं कितनी सत्तर डीएम्स हैं सत्तर बार बोलूं मैं हर दूसरे हफ्ते हर दूसरी बंदी को डैम

क्या हो जाएगा सिंपथाइज कर लिया अर्पित बाला ने क्या हो जाएगा डू यू थिंक ही हैज द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड योर पेन डू यू थिंक ही इज वेल इक्विप्ड इनफ लाइक इमोशनली टू अंडरस्टैंड यू नो नो मैन इज बट वी आर टॉकिंग अबाउट अर्पित बाला नो आई आई एम आई एम मैन वायक यू फक इन ठीक है चलो. लेट अग्री टू डिसके ठीक <laughs> है प्रॉब्लमैटिक <laughs> <problematic> था ये दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक आई वुड लाइक बोल ये भी काटना है मिनट वाला ठीक ये ये वाला पार्ट कर, नहीं कट सकता ये अच्छा था दिस वाज वेरी नाइस एंड ऑल इन ऑल आई से वी एज लाइक यू नो हेट्रोसे मेन वी डोंट नो शिट दैट इज आई डोंट भाई मेरे को आज तक मेरे को ऑनेस्टली मेरे को तो नहीं समझ आता मैं तो वो वाली हरकत भी नहीं कर सकता हूं ना वो जो वाइट नाइट वाले लड़के होते हैं यस yes, प्रिंसेस बताओ क्या हुआ ओह यस बेब्स यस आप कॉम्बी फ्लाम ले चुके हो ओह oh, भाई मैं तो लिटरली uh. लड़ा हूं लड़कियों से ऐसे जो, जो ऐसे शुरू भी हुए ना जहां पे थोड़ा बहुत भी uh. कि इस टाइप की बातें हो चुकी हूँ आप ठीक हो आपने खाना ब्रो <laughs> कल बात करते रहने दे ओ भाई मैंने भाई मैंने ये रियल स्टोरी है। मैं yeah, बंदी को कि भाई, yeah. बात कर पहले आई आई एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ डिजेनरेसी फ्रॉम आई डू डिजेनरेसी एज इन की मतलब मुंहफट बनो मेरे सामने

विदन आईव अंडरस्टुड देर इज ऑलवेज अ बैरियर वेन देर टॉकिंग टू समी न्यू इट्सोर विद बट लाइक मेरे एक्सपीरियंस में ट्राई टू है गुड वो एक वॉल टाइप का होता है जिसके अंदर देर लाइक थोड़ा सा सहेज सहेज के बिल्कुल वो होते हैं ना ठीक से रहना एन एवरी थिंग बात मतलब एज पोलाइटली एज पॉसिबल तो Uh, क्योंकि मतलब मैंने तो बहुत देखी उस टाइप की मतलब आई डोंट नो या वो सर्कल ऐसा या क्या हाँ.

तो so, ऑफकोर्स yeah. वो तो होता है बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक टॉकिंग टॉकिंग वी टॉकिंग फॉर वीक्स एंड यू स्टिल टॉकिंग लाइक यू नो कि यूर फ्लॉलेस कि मतलब तेरे पे कोई गलती नहीं है भाई आई फक इन फ्रॉम जिंदल बिकॉज दे रिफ्यूज टू बी पोलिटिकली इनकरेक्ट वेन दे आर टॉकिंग इन प्राइवेट वेन दे आर टॉकिंग इन प्राइवेट हाँ हम दोनों कॉन्वर्सेशन अगर कर रहे हैं और दुनिया नहीं सुन रही तो यू कैन से द फक यू वॉन्ट टू मी राइट है ना

बट बताइए क्या मेरे को ये बॉडी शेमिंग वाली चीज ना कभी ढंग से समझ नहीं आई हां क्योंकि पता है मुझे क्या लगता है yeah. मुझे लगता है लोग एक्सरसाइज करना का बहाना ना ढूंढ रहे हैं एक्सरसाइज ना करने का बहाना ओके okay. कि भाई ये तो यार बॉडी शेमिंग है तुम मुझे मोटा के भाई यार तुम मतलब मेरे को लगता है इस बॉडी शेमिंग के चक्कर में ना लोगों की जेन्युइन हेल्थ खराब हो रही है इट इज ओके टू बी फैट आई डोंट थिंक सो मतलब

कि मतलब तुम्हारे को दुनिया आके गाली दे रही है तो फिर यू चेंज योर सेल्फ तो उसमें क्या हो जाता है ना कि यू फ्यूल योर सेल्फ विद फक इन रॉ नेगेटिव एनर्जी ओनली तो इट इज इट इज वेरी इजी टू डेवलप बैड ईटिंग हैबिट्स है ना कि मतलब एकदम से यू स्टार योर सेल्फ और यू फक मतलब वो जो नहीं हो जाते हाँ, कि मतलब हाँ, मेरे I'm को getting... इतना ज्यादा बोल दिया ये तो फिर उसी बात पे आ पर कि एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी तो आई आई सम वॉट अग्री विद द होल बॉडी शेमिंग थिंग बिकॉज आई आई बिन देयर आई हैव एक्सपीरियंसड इट उसी बात पे ना भाई टू एक्सट्रीम ऑफ टू मच इज बैड मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट मत बनो बट आई आई सॉर्ट ऑफ अग्री कि मतलब अगर वो बॉडी शेमिंग वाला नहीं होता तो फिर अभी शायद से बिकॉज़ मेरे घर में डायबिटीज इज लाइक वेरी रैंपेंट हर किसी को हो ही जाता है लाइक देयर इज वन जीन इन आवर बॉडी व्हिच मेक्स अस रियली प्रोन टू डायबिटीज एंड लकीली माय डैड डजंट हैव इट बिकॉज़ ही वाज वेरी एक्टिव नहीं तो घर घर में घर में हर किसी को

तुम मेरे को बताओ क्या एकदम से ना मतलब अभी मैं मोटा मोटा फिर से हो जाऊँ मतलब अपनी पुरानी स्टोरीज अपलोड करता हूँ you know, दुनिया के लिए एकदम से स्विच बताऊ कैसा वाला स्विच यू रिमेंबर इन एट्थ ग्रेड देर इज दिस वन गर्ल तुमने उसको नर्सरी में देखा था अपनी नाक में उंगली डालते हुए हॉट

मैं मैं इसके इसकी इसकी मम्मी का फ़ोन नंबर मैंने कैसे निकाल लिया ओ अब अब अ, मेरे को ब्लॉक uh, क्यों कर रहे हैं लोग <laughs> बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई तू यार <laughs> 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 नहीं ब्रो आई आई वॉन्ट टू बी दैट लाइक यू नो मतलब कि लोग मतलब जब औरतें मुझे देखें दे गेट डिस्गस्टेड एंड इक्वली लाइक व्हाट द फक वाई माई अट्रैक्टेड टू दिस गाइड आई वॉन्ट टू बी कानिए एंड पीट डेविडसन मिक्सड अब समझ रहा हूं अ लॉट ऑफ थिंग्स मेक सेंस नाउ मैं हेट नंगा गंदा डांस करना मैं समझ रहा हूँ क्या कि नंगा हाँ अट्रैक्टिव बॉडी लेके गंदा डांस करना या 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 चड्डी में समझ गया मैं क्यों कर रहा था गोट इट यस इट जस्ट मेक्स इट ऑल मेक्स सेंस नाउ बढ़िया ब्रो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट कि मतलब यू नो

वर्कआउट करना चाहिए यार <laughs> यार वो हिम्मत ही नहीं होती यार क्या? नहीं नहीं वो, वो स्क्रीन से मेरा अच्छा पर वो भाई वो हिम्मत ही नहीं आती यार सुबह उठ के जाने की भाई कि भाई सुबह उठो या शाम को भी या मतलब पता है सुबह उठ के पांच मिनट के लिए मेरा मन होता है पांच मिनट में मेरे को लगता है कि भाई आज नहा लेना चाहिए मुझे लगता है नहाएंगे अभी नहाते हैं बस पहला वर्कआउट कर लेता हूँ भाई एक रन लगा के आता हूँ फिर नहाऊंगा भाई बढ़िया

ब्रो अब तो ऐसा सीन हो गया है कि मेरा ट्रेनर पहचान जाता है <laughs> कि मैं कब आ रहा हूँ कब जा रहा हूं <laughs> अच्छा नहीं पलक दी तो नहीं आई है तुम क्यों आओगे <laughs> पलक दी तो नहीं आई है आज तुम क्यों ब्रो तो बाहर खड़ा हो यार बस नीचे <laughs> yes, oh. यस क्या मेरे क्या साथ है? जिम में बताऊं क्या अजीब हाँ। चीज हुई थी आई एव रियलाइज्ड

एक बंदी को जब मैं देखता हूं तो मेरे को लगता है ये एजुकेटेड तो होगी इन सब मामलों में कि कैसे कहा मतलब मैनर्स क्या होते हैं जिम में आ, ब्रो मैं लिफ्ट कर रहा हूं मतलब मेरा मतलब ऐसा सीन होता है ड्रॉप सेट चल रहा है उसके अंदर ऐसा होता है कि मैं वेट गिराते रहता हूँ और उसके बाद करता रहता हूं एक एक लास्ट सेट मतलब तीन सेट होते आ, हैं तो चौथे सेट में मैं बस वेट्स गिराता रहता हूँ और करते रहता हूँ अब भाई मैंने बीस गिराया दस लगे हुए हैं दीदी आती हैं दस का प्लेट ले गई और कहते मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं कर रहा हूँ है आप कितनी देर और करोगे मैंने बोला लास्ट सेट है बस खत्म करके दे रहा हूँ बताया नहीं आपने तीन सेट कर लिए है चौथा सेट कोई नहीं करता आप बस मेरे को तंग कर रहे हो ब्रो लेजेट लेजेट एंड उसने वो दस क्या प्लेट लिया और उसने वो डंबल वाली रॉड पे वो जो लंबी वाली रॉड होती हा, हा। है बारबेल पे लगा के एंड शी स्टार्टेड डेड लिफ्टिंग उस लाइक ठीक है ब्रो मेरा मन बताऊँ क्या कर रहा था मेरा मन कर रहा था कि मैं अब किसी भी मशीन पे जाऊं ना किसी भी मशीन पे जो उससे मीलो दूर है आप कर रहे हो <laughs> कर रहे हो <है> आप ये <laughs> मैं कर <गालू? laughs> नहीं मेरा अभी मैं बस तीन साइड करूंगा भाई इतना मन कर रहा था ना मेरे को बहन से <laughs> बोलने का बट क्या ही करना यार ऐसी बातें तुम कर नहीं सकते ना जब पंजाबी गाने बज रहे होते हैं पीछे <laughs> <laughs> भाई यार पर मेरे को लगता है फरीदाबाद में भी तो रहते हैं यार मतलब आई डोंट नो मैन

आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली लाइक यू नो वो जो नया नया कपल नहीं बना होता है, जिनको हमेशा स्टेटमेंट्स बनाने होते हम तो हा. कपल है ब्रो हम तो क... हम कपल है बहन चोद लाइक उनको बताना है कि वो कपल है उ इट स्टार्टेड इट स्टार्टेड विद इन विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा स्टेटमेंट जिसके अंदर एक बंदे ने कूड़ा फेंका अपनी गाड़ी से उन्होंने उसको किया येड़ा क्यों फेंक रहे हो आप ये कूड़ा क्यों फेंक रहे हो आप अनुका पहले बोलती विराट बोलता फिर अनुष्का बोलती यूज प्रॉब्लम विद विराट ठीक है ओके इट जस्ट एस्कुलेटेड ब्रो अभी रिसेंटली क्या हुआ गॉड देम पे एंड कुछ फोटोज आ गई और अगले दिन एक लंबा सो पैराग्राफ आता है आपको हमारी बेटी ये वो ये हो एंड वी डोंट लाइक अभी लाइक आर प्राइवेसी प्लीज डोंट प्लीज डोंट आर शेयर आर फोटोजोट लौड़ा लौड़ा इस चीज में भी इन दोनों को ना अटेंशन प्रूव करना है कि हम तो कपल है ब्रो हम तो कपल है ब्रो नाउ सी ओके आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ट्राइंग टू शेल्टर देर डॉटर फ्रॉम लाइक द होल इंडस्ट्री इंडस्ट्री बिकॉज बोथ विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा मस्ट है डोंट वॉन्ट बट आई एट द सेम मोमेंट जस्ट फील बैड फॉर देयर डॉटर जिस जिसके पास प्रिविलेज है वो सारी चीजें करने का बट एट द सेम टाइम नहीं है तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं उसके लिए कितना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो उनकी बेटी है हाँ, नहीं इट्स लाइक कैसे बताऊं इट्स लाइक इट्स लाइक मैं जनरल पढ़ता हूं इसका मतलब मेरे पापा को माई डैड इज लोडेड राइट

एंड आई फील लाइक कि ना जब तुम ऐसे आर्टिफिशियली पुश करते हो ना हसल किसी बच्चे पे तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है देन हाँ। वो बच्चा बस ये देखता है कि बहन है तो सब कुछ तो ये लोग मेरे को पनिश कर रहे हैं क्या मतलब समझ रहा हूँ वही वाली चीज है कि सब है भी तो मतलब फायदा क्या हुआ yeah. जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मेरे को ये वाली चीज लगती है कि भाई अब अगर कमा रहे हैं तो यार एक, एक तो वो होती है जैसे जो लोग खुद जो लोग खुद जेनुन स्ट्रगल से निकले होते हैं uh. उनको तो यार मेरे बच्चे को ही नहीं देखना पड़ेगा भाई bro, no, bro. इतना पैसा कमा लेंगे nah. भाई? No. I, But, I, I, आई लाइक दीज फक इन ट्रेडिशनल फैमिलीज दैट टेक प्राइड कि हमारा हमारा लड़का बिगड़े वाला है <laughs> 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 मैं तो ऐसा ही बनूंगा रहा हूँ हाँ है हम पे है पैसा हम पे है पैसा है ना सेड़ी है ना सेड़ी मर गया गटर के पास हम पे है पैसा <laughs> <laughs> हाँ भाई आई फील लाइक कि जब तू ऐसे आर्टिफिशियली ऐसे पुश ऑन करते हो ना किसी चीज़ पे ऐसे आइडियल्स बच्चे पे

आज अच्छी तो लग रही हो वो ये बनाते हैं है। है है आज तो Friday, <laughs> like. nah, man. I feel like, uh, ये जो मीम ना वाला it's over yeah. done. बहुत हो गया खत्म करो hmm. आज सैटरडे है पोस्ट <laughs> डिसऑर्डर <post -Friday> <laughs> आज सैटरडे एंड इट्स जस्ट द सेम डूड लाइक यू नो आज सैटरडे है <laughs>

बोल के दिखाओ बेटा भाई जैसे वो नहीं करवाते जब घर आते हैं तो बच्चों से वो करवाते हैं गा के दिखाओ गा के दिखाओ फिर एक आता अंकल जी हम तो हैं जो पे मोटी पार्टी है हम हम बेटा ये करता है बोल के बेटा बेटा <laughs> शिट भाई वेरी ऑकवर्ड बैड नहीं भाई तेरे को कभी कोई बोलेगा ऐसे क्या तेरे घर में नहीं होगी नई वाली चीज क्या एक बेटा बोल के बताओ सेक्टर सोला है बोलो अरे नो नो ब्रो आई 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 एम सो ग्लैड कि ऑन द इंटरनेट लाइक लाइक इन और ग्रेड बिकॉज़ वुड 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 हैव हैव बीन बीन वाइल्डर मच मोर यू रेकलेस कोई टेम नहीं, तो, हाँ, नहीं घर वाले थे नही हाँ? <laughs> <laughs> हाँ, तो, okay, जी

थिंग इज हम लोग ना इस चीज का ज्यादा फायदा नहीं उठा रहे कि हम लोग ऑडियो ओनली पे हैं लाइक वी हैव सो मच ऑफ क्रिएटिविटी लाइक वॉट ऐसी और कौन सी जॉब है जिसके अंदर तुम मतलब जॉब भी कर सकते हो और एक दूसरे को मतलब ऐसे ही जैक ऑफ कर रहे हो एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहा था यार मैं यार स्टॉप जैकिंग मी ऑफ ब्रो ब्रो तूने आज तेरे को कुछ नहीं हो रही है ना ब्रो स्टॉप

रिमोट पकड़ा मुझे एंड mm -hmm. भाई मतलब मेरे ना मतलब बगलों से पसीना बह बह के निकल रहा था ब्रो मैं इतना ज़्यादा खेल रहा, mm -hmm. रहा था और वो हंस रहा था मेरे मुंह mm -hmm. मैंने, मैंने देख ये देख, ये, देख. हाँ. मतलब मुंह पकड़ के रिप्लेस दिखा रहा था <laughs> मैं भी कर दिया ना मैच के बाद में वो जाता था वॉच रिप्लेस में और ये देख सो इट हीट और उसके बाद ना मैं घर गया एमेजोन यू एफ थ्री ऑर्डर पहन चो पाँच की में नहीं हजार की पॉकेट मनी तीन हजार ऐसे ही गए हाँ <laughs> 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 भाई सक्षम यार वीडियो के पैसे हम क्राउडफंड कर लेंगे <laughs> <laughs> तो <पार मार> <laughs> आ रही ब्रो तो उसके बाद तो ऐसा सीन था कि हर रोज क्लास चल रही है मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा हूँ यूएफसी चल रही है Hard mode, hard mode, फिर जाता था यूट्यूबे oh, yeah, yeah. no, बहुत अच्छा लगता है, ब्रो, you, में बहुत दिमाग लगता है लोग बहुत बोल देते हैं कि बहन चो जिसमे तो मतलब बटन स्पैशिंग करके तुम जीत सकते हो ठीक है जीत भी सकते हो मैं मैं हारा हुआ हूँ वैसे एक बंदे से जो जीत गया ऐसे बट वंस यू गेट टू नो दोल्स एन एवरी थिंग नो जितना वो कॉम्प्लेक्स गेम है आई थिंक इट्स इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव और मैंने ना फिर मैं गया अजय के यहाँ पे था मैं ठीक है अजय के यहाँ पे था पप्पा मुझे देखता बोलता आजा भाई अर्पित तेरी माँ चुपता हूँ यू में मैं चुप था जीता उसके बाद नेक्स्ट मैच

भाई एनबीए खेलते हैं <laughs> so I was like, नहीं ब्रो एनबीए तो मेरे को आती ही नहीं यार तू जीत गया चल ठीक <laughs> है mm -hmm. फिर हम गए थे आदि के यहाँ पे यहाँ पे मतलब ये पूरा किस्सा स्टार्ट हुआ था बैक टू वेर इट बैक टू वेर इट फ्रॉम तो मैं उसी जगह पे बैठा हूँ और मैं ना अकेले खेल रहा हूँ हाँ। बप्पा फिर से आता आजा भाई यार पे देखते हैं बप्पा स्टिल हैड इन हिज माइंड क्या दिन अच्छा नहीं था दिन अच्छा नहीं था आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईगो आई लेट माय प्राइड विन बट आज आई विल बी मोर टैक्टफुल हम खेला पेला मैंने बहुत अच्छे से और पप्पा बीच मैच में बोल रहा है भाई इसमें एक बटन ऐसा आया कि बहन जो अपने आप दब रहा है यार <laughs> एकदम से पीछे हो रहा है यार <laughs> चलो ठीक है भाई नेक्स्ट मैच में पप्पा ने वो मेरे को दिया मैं हार <laughs> गया Haan. क्यों I wanted to fuel his अच्छा ego. ego right right फिर लगातार चार मैच हुए इसी खराब कंट्रोलर से हाँ पहला <laughs> <laughs> ने खराब कंट्रोलर से हाँ <laughs> <से. laughs> मैं खराब कंट्रोलर से पेला <laughs> <laughs> बाप ने कंट्रोलर रखा और भाई आदि इस गाने पे बैठते हम <laughs> 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 that was I I felt so because this fucking asshole नो बाप यू नो व्हाट ही ड id मेरे घर पे थी फीफा और मैं खेलता था उसको क्योंकि मेरे को आते थे मजे ट्रिक्स करने में मैं फीफा ऐसे खेलता था कि मैं खेल रहा हूँ तो ट्रिक्स कर रहा हूँ मैं गोल वोल पे फोकस ही नहीं करता था मेरे को बस काटने में मजा आता था <स्तुप> और बप्पा ऐसे खेलता था कि नहीं भाई इस बंद सामने वाले बंदे को तो धूल चटानी है इसको तो दस सीरों से पेलना है <स्तुप> मैं कभी उस उससे खेला ही नहीं पर बप्पा <स्तुप> ऐसे खेलता था ना मेरे सामने की बहन जो पता नहीं उसके पास कोई एजेंडा था कि मेरे को नीचा दिखाना है उस बंदे को और भाई वो करता था हर गोल के बाद <laughs> भाई उसने मेरी ना बहुत गंदी मारी तो आई वाज लाइक नहीं ब्रो फीफा मेरे हाथ से चली गई एनबीए में खेलता नहीं हूं यूएफसी में नहीं जाने दूंगा यूएफसी तो कतई नहीं जाने दूंगा मैं दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउड कितना पेटी इंसान है दिस एपिसोडोड अपेन्टली बट अगर आप ध्यान से सुनो अगर आप ध्यान से सुनो एनालाइज करो भाई कोई करे ऐसे एनालाइज पॉइंट्स बनाए अर्पित के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में hmm. मैं देखना चाहूंगा भाई पूरा पर्सनैलिटी वो कर दे <laughs> नहीं यार बट ऐसे ब्रेक डाउन रोहन करियपा बन जाए भाई अर्पित के ऊपर कोई आके आई हैव दिस आई हैव दिस इशू अगर मेरे सामने कोई मेरे को आउटशाइन कर रहा होता है आई डोंट टेक इट स्पोर्टिंगली वो इसलिए तो आज मेरे से कह रहा था भाई मेरे को प्रोडक्शन सीखनी है

मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है ब्रो मेरे को पेटी नहीं होना सेक्टर सत्रह चल जा ब्रो वो बट डू यू थिंक सम प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड जिसके अंदर यू लेट योर लाइक एंशियसनेस इन लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक टेकिंग थिंग्स पर्सनली नहीं मतलब मेरे को पता है क्या लगता है मेरे को लगता है कि इट इज गुड आफ्ट यू रियलाइज यू हैव इट एंड देन यू यूज इट पॉजिटिवली जैसे मेरे में ना मेरे में वो वो लीगो थी hmm. कि भाई मैं गलत नहीं हो सकता अच्छा है ना कि भाई मैंने बोला है तो मतलब फिर तो मैं, मैंने बोल दिया भाई ऐसे दे कैसे दे है ना और भाई यही वाली चीज़ थी भाई जिसको मैंने थ्री सिक्सटी फाइव वाली में यूज किया hmm. था ना कि भाई अब बोल दिया तो बोल दिया भाई पहले मैं इतना जेनुअनली इतना पंक्चुअल हुआ करता था ना एक पॉइंट पे कि भाई अगर मैंने बोला है सात बजे मिल रहे हैं

भाई अर्पित स्टूडियो यार, यार ये गाने नहीं में ना भाई मजा नहीं आ रहा यार अभी मैंने आजकल यार मेरा मन सा नहीं लग रहा है यार एक मिनट रुकेगा तू फक यार हरा दिया यार तूने मैंने <laughs> हरा दिया हाँ यार हार गया मैं तेरी वजह से हैं बट हाँ यार आई फील आई फील कि इफ आई वाज जस्ट अ लिटिल मोर वेरी अबाउट दिस बहुत पहले hmm. तो आई डोंट थिंक कि Mera breakup Biwa ha hmm. Why so? Bro, see okay, let's go back. Haan. Back in time. Okay. Ah. Yes, sir. Flashbacks. <laughs> 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 this is 2015, 16, okay? Haan. So I was like really, really infatuated by this one person, and I finally like we started dating and everything was going, going good but bro i don't know what happened but i was just jealous i was just jealous of the fact that she was good in studies i was jealous of the fact that she was good in music i was yeah. jealous by the fact that she looked good oh. and you know what i did I, I took it personally but like in a very wrong way i was like to chod mirakuta super hai." तो मैं बहन जो मैं तो इससे ऊपर आगे निकलूँगा ब्रो मैं तो ये कर लूँगा तो उसके बाद बहन चो उसके साथ में मैं कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर पाता था hmm. जब भी उससे बात होती थी मेरे को ना गुस्सा आता था उसको देख के कि मन करता था कि बहन चो तू है कौन तेरी माँ चो दूंगा मैं एंड देट shit fucking एन लाइक यू नो डिस्ट्रॉयड एवरी थिंग बिकॉज आई वॉज लाइक फुल ऑन गाइडेड बाई फक एन लाइक वो दैट वॉज माई ब्लैक स्पाइडर मैन एरा

शिट भाई सारी इंग्लिश खराब कर दी भाई कपिल शर्मा ने इज द इज द वो तो वो करता था यार एफ आई वाला चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले बट मेरे सामने कोई गंदी इंग्लिश बोलता है मैं अपने आप ही हंस देता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है we now english we talk we now english i i i, I you converse i yeah. i english koi maachuda structure bhai <laughs> क्या होता है जोक स्ट्रक्चर पंच yeah. लाइन क्या होती है है तुम्हारे को विटी लोड़ा विटी को लोड़ा बेस्ट पंच लाइन भाई बेस्ट पंच लाइन मैं कह रहा हूं भाई लोड़ा तुम बेस्ट <laughs> तुम यस यस या नाइट्स वर्क्स टुनाइट यस यस बोनजूर सो नो व्हाट यू प्रीवियसली यू सेइंग व्हाट ओ नहीं तू इट्स ओके टू हैव बिट्स एज अ कॉमेडियन बट डोंट बी अ बिट वो फक कितनी अच्छी बात है भाई बहुत है ना डोंट बहुत बट डोंट बी अ बिट तो दैट इज व्हाई एक दो बारी चलता है ऐसे घटिया वाले जो लौड़ा बोड़ा बोलना उसके बाद ना ज्यादा नहीं करना उस पे समझ गया है ना नहीं तो सारा भाई जोगिंदर एक्चुअली या yeah. <laughs> <jugindar. laughs>

बताता है लोगों को कि अमीर लोग ऐसे होते हैं और उसको बड़ी सत, सटल तरीके से बताता है एक जोक की तरह में hmm. ऐसी छोटी मोटी चीजें ही कर देना कि बस स्टैंड पे जाके वो ऐसे बैठ रहा है देखा मैंने वो इट हैज मीन टू गो इन टू लाइक रियल लाइक पुनीत के दिमाग में घुसना वुड बी समथिंग लाइक यू नो प्रिविलेज आई एम टेलिंग यू

सी मतलब मैं इतना पैटी हूं मैं पुनीत सुपरस्टार से जेलस हो रहा था एक टाइम पे यार, यार। भाई, हमें पता है नहीं बात करनी चाहिए इस बारे में किस किस से जेलस हो चुका है भाई लोग भी सोचेंगे भाई अगर तुम तो लोगों को पता चलेगा ना कि तो हाँ. किस किस लोगों से जेलस हो चुका है नॉट जेलस एनवियस है ना एनवियस आई वांट यू टू डाई

बट ओके नो नो ओके नो पुनीत सुपर स्टार का दिमाग था ठीक है। कितनी बात हो गई होगी आज आज पचास मिनट हो गया होगा क्या? हाँ यार्टी नाइन मिनट फोर्टी नाइन मिनट फर्क दिस तुम लोग इतना ही सुनने वाले और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें।